गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। तो हालांकि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा इस चीज के बारे में कि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना जो है वो अपना क्लेम करता है, और बड़ी ही अजीब बात करता है ये बोलता है कि इस समुद्र का नाम, इस सी का नाम, इस सागर का नाम जो है वो चाइना के नाम पर पड़ा, इसलिए समुद्र जो है वो चाइना का, ये चाइना का ही हिस्सा है। ऐसे में तो हमें भी बोल देना चाहिए कि इंडियन ओशियन जो है वो ऑब्वियसली आता है, इस पूरे महासागर ओशियन का नाम जो है वो हमारे नाम पर पड़ा, इसलिए वो पूरे महासागर पर हमारा क्लेम होना चाहिए, ओशियन पर हमारा क्लेम होना चाहिए, है कि नहीं, राइट। तो ये इसकी हरकतें होती है। आप जानते हैं ये साउथ चाइना सी पर किस प्रकार की हरकत करता है ये चाइना। साउथ चाइना सी तो दूर की बात है, आपको ये भी पता है इवन ये कई बार जो है ऑस्ट्रेलिया तक आ जाता है, अपनी जैसे कि इसकी जो सबमरीन वगैरह होती है ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो है वो ले जाता है और वापस जो है वो गोल घुमा के चला जाता है, तो वो डराता है दूसरी कंट्री को। हरकत ही है बहुत बड़ा ये चाइना, राइट। बहुत हरकत ही है हम लोग को देखने को मिलता है। इवन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, इवन कई बार तो ये भी क्लेम कर चुका है कि इंडिया का जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र है वो चाइना का है। तो ऐसा है ये चाइना, हरकतबाज है और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज की हमें देखने को मिलती, कब्जा करता है हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, राइट। तो देखिए इसी को लेकर ये टॉपिक है, पूरे डिस्प्यूट को बहुत अच्छे से बहुत आराम से ए टू जेड हम लोग कवर करेंगे। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि चाइना ने कहा है कि तेजी लेकर आओ। किस चीज में तेजी लेकर आओ, तो आशियान कंट्रीज मिलकर साउथ चाइना सी पर कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क जो है वो बना रही है, आचार संहिता, राइट, साउथ चाइना सी के लिए आचार संहिता की रूपरेखा तैयार कर रही है आशियान कंट्रीज, आशियान देश। तो चाइना बोल रहा है कि जल्दी जल्दी ये रूपरेखा को तैयार करो, मैं देखूं तो किस प्रकार की रूपरेखा फ्रेमवर्क आप तैयार कर रहे हो। और गाइज आपको बता दें कि नेक्स्ट ईयर जो होगा वो 28th एनिवर्सरी, 20वीं सालगिरह हम लोग को देखने को मिलेगी, किसकी, जिस समय साइन किया गया था डिक्लेरेशन ऑन कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी को। तो ये है क्या, डिक्लेरेशन ऑन कंडक्ट ऑफ पार्टीज इन साउथ चाइना सी। तो एक डिक्लेरेशन जो है वो काफी सारी कंट्रीज ने, स्पेशली आशियान कंट्रीज ने जो है वो मिलकर साइन किया था कि साउथ चाइना सी पर आचार संहिता की, मतलब किस प्रकार से ये जो साउथ चाइना सी पर जो कंट्रीज हैं और इस डिक्लेरेशन को जिन मेंबर कंट्रीज ने साइन किया है तो वो किस प्रकार से ऑपरेट करेंगी, किस प्रकार से साउथ चाइना सी का उपयोग करेंगी और क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा उनका, यानी कि ऑपरेशन किस प्रकार से ये कंडक्ट करेंगी साउथ चाइना सी के ऊपर। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो विवाद है साउथ चाइना सी का, इसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ये वाली चीज कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लाया गया था कि किस प्रकार से पार्टीज जो है, मेंबर कंट्रीज जो है वो किस प्रकार से इस समुद्र पर ऑपरेट करेंगी, सिंपल सी बात, कि जिससे कि यहाँ पर शांति बनाई रखी जाए, स्टेबिलिटी रहे इस क्षेत्र पर। और चाइना जो है वो चाहता है कि आशियान के साथ, आशियान कंट्रीज के साथ मिलकर काम करे, राइट। और इसी ओकेशन पर, अगले साल इसी ओकेशन पर ये परमानेंटली इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करें, बट ऑब्वियसली बात है परमानेंटली प्रॉब्लम को चाइना सॉल्व करने ही नहीं वाला, क्योंकि जब इसके इंटरेस्ट पर जब बात होगी तभी ये खुश होगा, इसके इंटरेस्ट के खिलाफ जब बात जाएगी, जब कहा जाएगा कि साउथ चाइना सी पर चाइना का क्लेम नहीं है, या फिर इसको थोड़ा सा एरिया दे दिया जाएगा कि चलो तुम इस क्षेत्र पर क्लेम कर लो अपना, इस क्षेत्र को जो है अपने कंट्रोल में कर लो, राइट, जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में। अभी पहले आप ये चीज समझ लीजिए, फिर वो भी बता दूंगा मैं आपको, राइट। तो चाइना को ऑब्वियसली बात है कि इस प्रकार से कंट्रीज नेगोशिएट करेंगे, बट चाइना फिर मानेगा नहीं, तो मानेगा नहीं तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीज पूरी नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये कंफर्म है, आप देखिएगा आगे चल के भी, अगर होगी भी तो अगर चाइना के इंटरेस्ट पे बात होगी तभी वो जो है वो इस चीज पर अड़ेगा, वरना नहीं अड़ेगा। और बाय चांस अगर लेट्स से कि अड़ कर भी लेता है, ये बहुत अच्छा अपने आप को दिखाने के लिए कर भी लेता है इस डिक्लेरेशन को साइन, कौन सा ले, बाइंडिंग डिक्लेरेशन को, बाइंडिंग कोर्ट को अगर साइन भी कर देता है, राइट, तो भी कुछ समय बाद देखिएगा ये वापस अपनी हरकत शुरू कर देगा। हरकत ही है ये बहुत बड़ा, ये करता तो बहुत सारी चीजें, इंडिया के साथ भी इसने बोला कि हम जो है वो शांति बरकरार रखेंगे, बट आ जाता है बार बार लद्दाख में, सिक्किम में, है कि नहीं, देखा हुआ है आप लोगों ने, सभी लोग वाकिफ हैं आप लोग इस पूरी चीज से, है कि नहीं। तो देखिए ये पूरा डिक्लेरेशन क्या है, ये घोषणा हम लोग को क्या देखने को मिली थी, 2002 की बात है, नवंबर 2002 की बात है, चाइना और 10 आशियन कंट्री साथ में आई, इन्होंने साइन किया एक नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन को जो कि कंडक्ट से रिलेटेड था कि किस प्रकार से साउथ चाइना सी पर ये कंट्रीज जो है वो ऑपरेट करेंगी, कंडक्ट करेंगी, राइट। और अभी बताया जा रहा है कि सभी की सभी ये 10 आशियन कंट्री प्लस 1 चाइना, तो सभी की सभी 11 कंट्रीज मिलकर, ये तो नॉन बाइंडिंग था, तो आप बोल रहे हैं कि इसको जो है वो कमिट करेंगे और इसको जो है वो बाइंडिंग कोड जो है वो तैयार करेंगे, राइट। देखो एक चीज होती है नॉन बाइंडिंग, एक चीज होती है बाइंडिंग। नॉन बाइंडिंग मतलब कि आप अगर इस चीज को फॉलो नहीं करोगे तो कोई भी इंप्लीकेशन आपके ऊपर जो है वो नहीं पड़ेंगे, राइट, कोई भी प्रॉब्लम, या फिर आप कह सकते हो कोई पेनाल्टी, आसान शब्दों में, सिंपल शब्दों में
समझने के लिए कि अगर जो भी कंट्री इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को या इसमें लिखे गए कंडक्ट्स को फॉलो नहीं करेगी तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बट बाइंडिंग होने का मतलब कि कंट्रीज फिर कार्रवाई करेंगी, पेनाल्टीज है वो उसके ऊपर इंपोज करेंगी जो इस कंडक्ट को फॉलो नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर किस टाइप की पेनाल्टी हो सकती है? हो सकता है कि ये लोग उस कंट्री को सब मिलकर जो है जो फॉलो नहीं करेगी उसको बॉयकॉट कर दे या कुछ भी करें, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें किसी प्रकार का, है ना। तो ये चीज, तो अब ये चाह रहे हैं कि इस प्रकार की बाइंडिंग कोड जो है वो लाया जाए, कोड ऑफ कंडक्ट। और दैट डॉक्यूमेंट नोटेड दैट द एडॉप्शन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी वुड फर्दर प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। वही चीज मैंने आपको अभी बताई कि इस क्षेत्र पर शांति और इस क्षेत्र को स्टेबल बनाने के लिए ये पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है बुलाया जा रहा है। यहां तक बात समझ में आई आपको कि किस प्रकार का घोषणा पत्र ये हमें देखने को मिला है, फ्रेमवर्क हम लोग को देखने को मिला है, राइट, कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर। पहले नॉन बाइंडिंग था, अब इसको बाइंडिंग करने पर ये काम कर रहे हैं और इसी चीज को तेज करने के लिए चाइना ने जो है गुहार लगाई है। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो ओवरऑल इशू आपको बता दें गाइस, तो चाइना बीजिंग, चाइना जो है ये क्लेम करता है, राइट, काफी सारी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है साउथ चाइना सी पर जिनका क्लेम हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, तो उनके ऊपर ये क्लेम करता है, बोलता है कि नहीं उन कंट्रीज का क्लेम नहीं है साउथ चाइना सी पर, साउथ चाइना सी पर सिर्फ चाइना का क्लेम है। तो ऐसी बात जो ये करता है, चाइना क्लेम करता है ऑलमोस्ट सभी, देखिए ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिच रिसोर्सेस ऑफ सी, समुद्र के जितने भी बेहतरीन रिच रिसोर्सेज है, क्योंकि समुद्र के नीचे बहुत सारी चीजें हैं, मिनरल्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उस पर ये काबू करने की कोशिश करता है। और दूसरी बहुत बड़ी बात, ये साउथ चाइना सी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत भारी मात्रा में जो ट्रेड होता है इसी समुद्र से होते हुए गुजरता है, पूरे दुनिया भर का आप एक तिहाई कह सकते हैं वन थर्ड ट्रेड जो है वो यहीं से होकर गुजरता है, राइट, तो इसको जो है वो इस पर निगरानी रख सकेगा ट्रेड पर चाइना कंट्रीज की, कंट्री के ट्रेड पर, या फिर कभी इस साउथ चाइना सी पर ब्लॉकेट क्रिएट करके, ब्लॉक क्रिएट करके कंट्रीज को परेशान भी कर सकता है इन फ्यूचर। तो उसकी बहुत अलग अलग प्रकार की चालें होती हैं यार, तो आपको बस इसकी चालें थोड़ी बहुत समझनी है। और ये क्लेम क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तो बहुत ही बेहतरीन रिसोर्सेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, देखिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स शिपिंग ट्रेड यहां से होकर गुजरता है, शिपिंग ट्रेड यानी कि सी रूट के थ्रू जो ट्रेड होता है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसी रूट के थ्रू होकर गुजरता है, राइट, और यहां पर क्लेम करती है इसी जगह पर जहां पर चाइना क्लेम कर रही है, और ब्रूनी, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, ये भी कंट्रीज है वो क्लेम करती है, ताइवान कंट्री नहीं टेरिटरी इसको बोलेंगे हम लोग, कि ये सब टेरिटरी जो है वो क्लेम करती है। और चाइना की बात करें, चाइना जो है, चाइना ऑब्वियसली बात है हरकती, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया तक अपनी सबमरीन भेज देता है, तो ये तो साउथ चाइना सी की बात है, उसके नजदीक के एरिया की बात है, तो यहां पर ये कई बार अपनी मिलिट्री वगैरह को डिप्लॉय कर देता है, कई बार एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह यहां पर लॉन्च कर देता है, सरफेस टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग करने लगता है, तो ऐसी हरकतें इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। 2016 में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने एक डिसीजन लिया था और कहा था कि चाइना बिना किसी आधार पर अपने हिस्टोरिकल क्लेम को डिक्लेयर कर रहा है, ये बोलता है कि प्राचीन काल में ये एरिया जो था वो चाइना का था, राइट, तो इस प्रकार के क्लेम ये करता है और जिसका कोई भी सबूत नहीं है, कोई भी मतलब आधार नहीं है, तो बिना आधार के ये क्लेम करता है। और बकायदा इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने 2016 में ये चीज कह दी थी इसको लेकर, बट फिर भी ये मानता नहीं, उसने उस ट्राइब्यूनल के डिसीजन को साइड कर दिया, उसने बोला कि नहीं हमारा तो क्लेम है, देखिए इसका नाम तो हमेशा कभी भी बात होती है नाम को लेकर अटकता है, बोलता है कि नाम देख लो, तो नाम क्यों पड़ा इसका ऐसा, हमारा इसलिए तो पड़ा नाम, अब क्या बोले इसको। साउथ चाइना सी जो है गाइस, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन पर हम लोग को देखने को मिलती है, साउथ ईस्ट एशिया पे, आप मैप में देखिए, अभी अगर नहीं देखना है आपको तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको एक फाइल जो है उसके साथ अटैच कर रहा हूं जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जिसमें और डिटेल में साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी ये वाला टॉपिक पहले एंड कर देते हैं हम लोग, फिर इसी के साथ में एक फाइल अटैच कर रहा हूँ, उस फाइल को भी जरूर देखना, आप बस कंटिन्यू देखते रहो, एक फाइल आपको जो है उसकी के बाद कंटिन्यू में आपको मिल जाएगी, राइट। तो इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी ईस्ट और साउथ वियतनाम पे हमें देखने को मिलती है, यानी कि इसकी ईस्ट और साउथ पे वियतनाम है, फिलीपींस जो है उसके वेस्ट साइड पर हम लोग को देखने को मिलती है, बोर्नियो जो आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है इसके नॉर्थ पर हम लोग को देखने को मिलता है, और ताइवान स्ट्रेट से ये कनेक्ट करती है ईस्ट चाइना सी को और साउथ चाइना सी, यानी कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में ताइवान स्ट्रेट हम लोग को देखने को मिलता है, लुजोन स्ट्रेट भी है जो कि कनेक्ट करता है सी को फिलीपीन सी के साथ, तो ये सब लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और बॉर्डरिंग स्टेट्स और टेरिटरीज कौन सी है, यानी कि साउथ चाइना सी पर कौन सी टेरिटरीज, और देखिए स्टेट यानी कि कंट्री, तो चाइना तो है ही, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, तो ये कंट्रीज हैं, बट यहाँ पर देखिए ताइवान भी है, इसलिए यहाँ पर टेरिटरी, ताइवान के लिए टेरिटरी लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मल तौर पर आप जानते हैं कि ताइवान को कंट्री घोषित नहीं किया गया है फॉर्मल तौर पर, राइट, इनफॉर्मली काफी सारी कंट्रीज है उसको
कंट्री ही मानती है, स्टेट ही मानती है, क्योंकि ताइवान और चाइना का इशू पता होगा ना आपको, हमने इसके बारे में भी पहले डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, राइट। चलो एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये समुद्र का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे मेन चीज तो ये है कि ये समुद्र हम लोग को देखने को मिलता है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू कनेक्ट करता है, राइट। ये सी, और यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें, UNCTAD, तो इसके अकॉर्डिंग 1/3 पूरे दुनिया भर की शिपिंग जो है वो यहीं से होकर गुजरती है। पूरे दुनिया भर का ट्रेड जो है 1/3 वो यहीं से होकर जो है वो गुजरता है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि अगेन इस पर्टिकुलर समुद्र को काफी इंपॉर्टेंट बना देता है। और कौन सी कंट्री इस आइलैंड के ऊपर, मतलब जो साउथ चाइना सी पे हम लोग को आइलैंड देखने को मिलते हैं कुछ, तो काफी सारी कंट्री जो है वो आइलैंड के ऊपर भी अपना क्लेम करती है, जैसे कि पार्सल आइलैंड हो गया, इसे चाइना ताइवान वियतनाम क्लेम करती है। स्पार्टी आइलैंड हो गया, तो इसे चाइना ताइवान वियतनाम ब्रूनी और फिलीपींस क्लेम करती है। स्कारबर्ग शॉल हो गया, तो इसे फिलीपींस चाइना ताइवान क्लेम करती है। तो इस पर इंडिविजुअली कंट्रीज के बारे में भी मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसी के साथ एक वीडियो अटैच हो रहा है जिसमें आपको मिलेगा, राइट। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में भी जो मैंने अभी आपको बताया था, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अभी चाइना जो है वो 2010 से क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है, ये कन्वर्ट कर रहा है किस चीज को, छोटे छोटे आइलैंड्स को, अनइनहेबिटेड आइलैंड्स को, जहां पर कोई भी नहीं रहता है, इसको ये आर्टिफिशियल आइलैंड्स में जो है वो कंटिन्यूअस कन्वर्ट करता जा रहा है, जिसके चलते ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अंडर आ जाए। अब देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं आपको एक आइडिया देता हूं। जैसे कि ये एक कंट्री की टेरिटरी है, कौन सी टेरिटरी, कोस्टल वाली, जैसे लेट से कि गोवा का बीच है, वो वाला सेम एग्जांपल मैंने अभी आगे भी दिया हुआ है, तो ये गोवा का बीच है, इस गोवा के बीच पे आप खड़े हो, इस बीच से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया पर, 200 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया पर ये जो जिस टेरिटरी जिस कंट्री की है उसी कंट्री का ये हिस्सा होगा, यानी कि इंटरनेशनल वाटर्स जो ये है, तो ये इसके अंदर जो भी मिनरल्स आते हैं, जो भी रिसोर्सेज आते हैं, राइट, तो वो इस कंट्री के होंगे, राइट, जिस कंट्री के आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री एरिया है। तो याद रखना कि एक कंट्री के कोस्टल एरिया से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है, ये एरिया पर उसी कंट्री का क्लेम होता है जिस कंट्री के आगे ये समुद्र है, राइट, ये पानी बॉर्डर जो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान में रखना। तो ये हरकत क्या पटक रहा है, ये छोटे छोटे आइलैंड अपने तैयार कर रहा है, जैसे कि ये घोषणा करेंगे, देखो ये तो मेरी टेरिटरी है। अब आपने कहा है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी है कि इस टेरिटरी से 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया जो होगा उस पर क्लेम किसका होगा, चाइना का होगा। ये हरकतबाज है एक नंबर का, हेवन रीफ, राइट, जॉनसन साउथ रीफ, राइट, फेरी क्रॉस रीफ, तो ये सब चीजें ये तैयार कर रहा है। अब देखिए चाल देखिए, आप समझिए इस चीज को, राइट। और अब मैं एक क्लिप आपके सामने जो है वो लेकर आ रहा हूं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन की हुई थी, बट जिन भी स्टूडेंट ने पुरानी क्लिप्स नहीं देखी है इसको और कवर कर लो, और अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। और अभी जो करंट अफेयर्स में था वो यहां तक था, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाइना का क्लेम रहता है कि ये जो पूरा जो एरिया है साउथ चाइना सी का, ये चाइना का है। और चाइना कैसे क्लेम करती है तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये वाला मैप देखो आप, ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको अपन बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये वाला जो एरिया है पूरा, इस पर चाइना क्लेम करती है। चाइना बोलती है कि इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा चाइना का है, राइट। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और मतलब अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पूरा मुद्दा जो है वो उस टेरिटरी के ऊपर किन किन कंट्रीज का किस हिसाब से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो टेरिटरीज हैं गाइस, स्पेशली यहाँ पर पार्सल आइलैंड की बात करें या स्पार्टलेस आइलैंड की बात करें, या फिर यहाँ पर बहुत सारे फुली डेवलप्ड आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, काफी सारे रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, यानी कि चट्टान वगैरह आपको देखने को मिलेगी, एटॉल्स देखने को मिलेंगे, सैंड बैंक्स, रीफ्स, राइट, और स्कारबर्ग शॉल। तो ये सब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली देखो इस मैप में मैं आपको दिखा दूं, ये देखो पार्सल आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस क्षेत्र पर जो है वो फिलीपींस का भी क्लेम हम लोग को अगेन देखने को मिलता है यहाँ पर। और दूसरी चीज जो है वो स्पार्टली आइलैंड, ये आप देखो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड स्पार्टली के। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप इसको अरेंज करो, ये जो पार्सल आइलैंड स्पार्टली आइलैंड आपको दे दिया जाएगा, उसका दे दिया स्कारबर्ग शॉल आपको दे दिया जाएगा, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको अरेंज करो आप, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो फिर आपको इस प्रकार का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नॉर्थ में है और कौन सा मतलब साउथ की तरफ है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पार्सल, फिर उसका सेकंड नंबर पर ये वाला आ जाता है स्कारबर्ग शॉल, और उसके बाद फिर स्पार्टली आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रीड बैंक कहाँ पर है, तो आपको फिलीपींस का आइडिया होना चाहिए, साउथ चाइना सी का आइडिया होना चाहिए। तो मेनली लोकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और दूसरी चीज जो जानने वाली है वो 9 डैश लाइन
और ये जो इशू पूरा इस क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक एक करके देख लेते हैं चाइना का क्लेम क्या है और दूसरी कंट्री का क्या क्लेम है। तो चाइना सबसे ज्यादा टेरिटरी पर क्लेम करती है, यानी कि इस क्षेत्र पर 9-लाइन इसने बनाई हुई है और कहा है कि इस 9-लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है ये पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में आता है, राइट। और इस पर ये वाली चीज बोलती है और बहुत ही मतलब बड़ी टेरिटरी जो है वो उसने क्लेम करके रखी हुई है। वियतनाम की बात करें, वियतनाम भी क्लेम करती है। चाइना के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह देखने को मिलता है कि 1940 से पहले इस क्षेत्र पर चाइना का कोई भी क्लेम नहीं था, चाइना के ही डॉक्यूमेंट में यह चीज मेंशन है। तो वियतनाम ये कहता है कि वियतनाम जो है वो 17वीं सेंचुरी में इस क्षेत्र पर वियतनाम का बहुत बड़ा कंट्रोल था और काफी अच्छा कंट्रोल था, और ये कंट्रोल को साबित करने के लिए वियतनाम के पास जो है, यानी कि कंट्रोल को बताने के लिए कि ये किसका कंट्रोल था, यानी कि अपने जो भी क्लेम है उसको प्रूफ करने के लिए इसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, राइट। तो ये वियतनाम बोलता है। तो यहाँ पर याद रखना चाइना भी पिक्चर में है बड़े पैमाने पे, फिर वियतनाम भी आ जाती है। वियतनाम का वही है कि 1940 से पहले चाइना के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है जो कि ये बता दें कि 1940 से पहले इन क्षेत्र पर चाइना का क्लेम था, बट वियतनाम के पास इसके प्रूफ है। वियतनाम ये देखो आप यहाँ पर, ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है, राइट। इसके अलावा दूसरी कंट्री जो पिक्चर में वो फिलीपींस में हम लोग को देखने को मिलती है। फिलीपींस पूरा क्लेम करती है कि स्कारबॉक शॉल जो है वो फिलीपींस का, फिलीपींस के काफी नजदीक भी है ना ये देखो आप ये पूरा, तो ये बोलती है कि फिलीपींस का ये पूरा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो फिलीपींस का इस प्रकार का क्लेम है यहाँ पर। इसके अलावा इस आइलैंड को हुआनगैन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है चाइना में, और थोड़ा सा 100 माइल से ज्यादा या 160 किलोमीटर से ज्यादा फिलीपींस से और चाइना से 550 माइल से ज्यादा के डिस्टेंस पर ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, स्कारबॉक शॉल। और मलेशिया और ब्रुनेई की बात करें हम लोग, तो ये दोनों कंट्रीज भी यहाँ पर टारगेट करती हैं। इसमें ब्रुनेई जो है वो ज्यादा क्लेम नहीं करती है डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के ऊपर, बट मलेशिया का एक अच्छा खासा क्लेम है, बट वो स्पार्टली आइलैंड के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इन दोनों का कहना भी यही है कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो हम लोग को 1982 की देखने को मिलती है, अब यहाँ पर 1982 भी थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विस में ऐसे ईयर्स भी आ जाते हैं कि ये फलाना कन्वेंशन जो है वो किस साल का है, तो 1982 काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन के तहत भी हम लोग को ब्रुनेई और मलेशिया के अंदर कुछ टेरिटरी देखने को मिलती है जिस पर चाइना क्लेम करती है। देखो ना अब ये चाइना की ये 9-लाइन यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ पर इसके आसपास जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जो ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसने कुछ टेरिटरी ऑफर करी हुई है, तो इस पर ये क्लेम करते हैं कि यार ये टेरिटरी तो हमें इनसे मिली हुई है लीगली और वो सही भी है, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इस पर ये 5 कंट्री हम लोग को मतलब देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर क्लेम करती है, राइट, मोटे मोटे तौर पर। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में भी कुछ आइडिया आपको जनरल सा होना चाहिए, जैसे कि इसे लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तौर पर भी जाना जाता है, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि 3 यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ द सी को लेकर, तो ये 1973 टू 1982 के बीच में हुई थी, तो उस दौरान जो है ये चीज़ एग्रीमेंट जो है वो सामने लाया गया। इसमें मेन जो आपके लिए काम की चीज़ है ना वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या आपके लिए काम की चीज़ है जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो इसमें मेनली जो है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है कि जो कोस्टल एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कोस्टल एरिया एक कंट्री का जहां पे उसका तट होता है, तो उस कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का जो एरिया होता है, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का एरिया, तो एक कंट्री अपने यानी कि अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं 370 किलोमीटर, राइट, उस कंट्री की बेस लाइन से यानी कि कोस्टल एरिया से। तो ये वाला जो इस कंट्री का जो एरिया होता है वो कंट्री इस एरिया पर यानी कि अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जितनी भी चीजें वहां पर है, जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वहां पर कोई तेल डिपॉजिट हो, राइट, या फिर कोई भी मिनरल्स हो, किसी भी प्रकार की चीज अगर वहां पर समुद्र के नीचे होगी या फिशिंग की भी अगर हम लोग बात करें, तो पूरा अधिकार जो होगा उस क्षेत्र पर वो उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री से ये 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। समझ पा रहे बात, समझे कि नहीं समझे ये बताओ। एक कंट्री है जैसे आप गोवा पे जाके खड़े हो जाओ, गोवा के बीच पे आप जाके खड़े हो जाओ, गोवा के बीच से आप समुद्र की तरफ देखो, तो आप समुद्र की तरफ 370 किलोमीटर तक देखो, राइट, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर तक आप देखो, राइट, तो जितना एरिया जो आप देख रहे हो 370 किलोमीटर तक का, वहां पर हमारी सरकार, उस एरिया तक हमारी सरकार
एक्सप्लोर कर सकती है किसी भी प्रकार की रिसोर्सेज को, राइट, यहाँ वहां से निकाल सकती है किसी प्रकार की, या फिर वहां पर अगर उस एरिया पर अगर कहीं पर तेल वगैरह है, राइट, तो तेल का, तेल वगैरह जो है वो हम, जो निकलेगा उस पर अधिकार जो होगा वो हमारा होगा, इंडिया का होगा, या कुछ भी चीज, कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर वहां पर है तो उस पर इंडिया का अधिकार है। तो ऐसा जो है वो इसने कह दिया है। और ऐसी कंट्री के कोस्टल लाइन से 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस कंट्री के अंदर ही होता है, क्योंकि मैंने भी आपको इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ाया था, मतलब बताया हुआ है कि ये जो अधिकार जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी, जैसे कि स्पेशली मलेशिया की बात करें तो अभी बात करी थी ना हमने इस टॉपिक में, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत जो है वो देखने को मिली थी। तो ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है।